Hello ji, assalamualaikum and welcome back to another vlog. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing very well. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड सुबह सुबह तो नहीं होगी और 1:30 बज गया है, तो अब हम उठ गए हैं. मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी, तो थोड़ा गला खराब है, थोड़ी सी मैं अभी अभी उठी हूँ, इस वजह से आवाज़ फ्रेश नहीं हुई है. तो आप लोगों ने जी ऐसा करना है कि सॉरी, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखनी है और वीडियो देख के उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है. और तो कुछ करना ही नहीं है, बस आप लोगों ने. अच्छा, मैंने ये करना है, ठीक है. सुबह सुबह उठी हूँ और मेरा दिल कर रहा था कि हमारा दिल कर रहा था नाश्ता करने का. दिल तो वैसे काफी दिनों से कर रहा है कि बाहर जाके हम वहां बैठ के नाश्ता करें, नान चनों का, गर्मा गर्म नान चनों का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम लोग हैं लेट लतीफ और हम लोग लेट उठते हैं. तो उठते उठते ही 12-12:30 बज जाते हैं और संडे वाले दिन तो मुझे लगता है 12-12:30 बजे नाश्ते एंड होना शुरू हो जाते हैं. तो मैंने अब्दुल्ला को कहा जहां से भी मिलते हैं नान चने घर पे ही ले आओ, ठीक है. और वो कहने लगे मैंने हलवा पूरी खानी है. वो हलवा पूरी खाएंगे, अपने लिए हलवा पूरी लेने गए हैं, हमारे लिए नान चने लेने गए हैं, अहद को साथ ले गए, अहद और अब्दुल्ला गए हैं. मेरे सर पे लगा हुआ तेल मैंने सुबह फजर के वक्त सर पे लगा लिया था नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल. सर में खुश्की वगैरह बड़ी ज्यादा हुई तो मैंने कहा चलो तेल लगा लेती हूँ. अब वो ना मुझे आ रहे भपके बहुत ज्यादा, इतनी स्मेल आ रही है मेरे सर से, बार बार भपके उठ रहे हैं. तो मैंने सोचा मैं उनके उठ आने से पहले पहले ही फटाफट शावर ले लेती हूँ, नहा लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ. तो मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है. आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और नहीं करेंगे तो वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है. तो मैं नहा के आती हूँ, मोटर चला दिया, पानी फ्रेश आ रहा होगा. मैं नहा के आती हूँ और फिर उसके बाद आके नाश्ता करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. क्या काम वाली भी नहीं आएगी, अब तब आ जाके बर्तन धोने पड़ जाए, पांडे पांडे मांजने पड़ जाए. तो ठीक है, नहा के आते पड़े. भपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पता नहीं मैं क्या लगा बैठी हूँ. नारियल का लगाया था मैंने, नारियल का तेल, लेकिन मुझे इतनी स्मेल आ रही है, क्यों आ रही है बार बार. चले जी, नहा के मैं फारिक हो गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए और नमाज भी पढ़ लिया. बालों में से भी स्मेल हल्की सी आ रही है, लेकिन वो मुझे लगता है बाल खुश्क होंगे तो फिर चली जाएगी, ठीक है. अब जो है अब्दुल्ला भी आ गया, नाश्ता भी लिया है, वो नाश्ता कर रहे हैं. मैं नमाज पढ़ने बैठ गई थी, मैंने कहा टाइम भी जरा नमाज पढ़ लो, इससे पहले रह जाए. कल भी मेरी नमाज रह गई थी, मैंने नहीं पढ़ी थी, पर मैंने सिर्फ एक फजर की नमाज पढ़ी और बाकी चार भूल गई. तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं पूरी पक्की नमाज भी नहीं हूँ. तो आज मेरी नमाज छूटे, इससे बेहतर है मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लो, फिर खाने बैठूंगी, फिर खाऊंगी, फिर नींद आ जाएगी, सो जाऊंगी, सुस्ती आ जाएगी, फिर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करेगा. तो फिर इससे बेहतर है पहले नमाज पढ़ लो, ठीक है. नहा के नमाज पढ़ ली, कपड़े बदले. आजकल ना अहद जो है वो बैठ के पूरे से पॉटी वॉश करवा रहा है, तो जब वो वॉश कराता है पानी के साथ ठेलने लग जाता है, तो वो मेरे कपड़ों पे शलवार पे छींटे वगैरह पड़ जाती है, रोज ही कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं. और यहाँ पर ये कपड़े आहत के मैंने कल धोए थे, ये मैं सारे अभी बाहर से ये उतार के लाई हूँ. इनको वो तय फोल्ड करेंगे, तय लगाएंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं. सुबह मैंने नाश्ता करके लेट गई थी, लेट क्या गई थी, आहत को सुलाई थी, सुलाते सुलाते फिर खुद भी सो गई, थोड़े से अपने काम किए, उनके नमाज वगैरह पढ़ी. और अब बज गए हैं 7:45 हो गए हैं और अब हम निकलने लगे बाहर, क्योंकि आज संडे है. और आहत को सोचा किसी पार्क शार्क में घुमाए या फिर अम्मी की तरफ चले जाएंगे, जो भी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं. अभी कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अभी सिर्फ घर से बाहर निकल रहे हैं. तैयार हो गई हूँ मैं, कपड़े मेरे यही लटके हुए थे मैंने पहन लिए, अब इसके साथ ये दुपट्टा प्रेस करके आई हूँ. बालों की मैंने बना दी है चुट्टियां, क्योंकि बाल खोलने का दिल नहीं कर रहा, आज गर्मी हो रही है बाहर. तो बस ऐसे चलेंगे, अब्दुल्ला और राहत बाहर जा चुके हैं, बस एज यूजुअल मेरा लाइटें बंद करके जाना भी जरूरी है, तो मैं लाइटें शाइटें बंद करके जाने लगी हूँ, ठीक है. तो लेट्स गो. हो रुको रुको, यू वांट पॉपकॉर्न? Wow, so colorful lights. What color are these? White. Popcorn.
चलो 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 चलो, अब्दुल्ला हैंड पकड़े इसका, इधर चलो, इधर इधर वो देखो फाउंटेन्स है वहां पे, लेट्स गो वॉच फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन। ब्लर तो आती है लेकिन रात के टाइम इसमें वो भी आती है, ये देखो ब्राइटनेस सही आ रही है। आहट वेट, डोगू वो देखो फाउंटेन्स, चलो आओ 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 आओ, इधर से चले इधर से, वाह वेरी गुड फाउंटेन्स, सो इंटरेस्टिंग वाटर, वो देखो देखो वो देखो, चलो 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 चलो, देखे कौन सी कलर वाली देखनी है मेरे बेटे ने, इधर आओ इधर इधर इधर, लुक दिस, कह रहा था ना जाओ, नहीं कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं, वाटर है, दिस इज वाटर, कम दिस इज वाटर, नो दिस इज वाटर, रेन हो रही है, रेन ये इसे भी डर रहा है, ये देखो वाटर है, वाटर ये देखो, वाटर ये देखो इधर, ये देखो ये वाटर है, कम इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग बेबी, देखो ना आप क्यों डर रहे हो उससे, ये रेन हो रही है, चलो उधर चलो, वो देखो कलरफुल कलरफुल रेन भी हो रही है वहां पे, चले वहां चले, डैडी इधर आ जाओ ना, आ जाओ उधर, येलो बॉल ले लो, येलो बॉल और वो वाली अंकल को दे दो, ले लो ले लो, चलो जी वाह, उधर उधर लेट्स गो प्ले देयर, ओके वेट 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 फॉर मम्मी, नो वाह, गो गो गेट द बॉल, गेट द बॉल, उधर नहीं उधर नहीं, पानी है उधर, गीला आ गंदा छिछी, आ पीछे जा पीछे पीछे जाओ पीछे, गीला गीला गीला, उधर चलो उधर ऊपर, हम यहाँ पे आ गए रेस कोर्स पार्क में और सारा रेस कोर्स पार्क खा लिया हमारे 8 तो हम 8 बजे क्या करने आए हैं भला, पूछे इधर आओ इधर इधर प्ले इधर, सारा कुछ बंद है, बच्चों की स्लाइड्स झूले सब बंद है, हम क्यों आए यहाँ, हमें चलते हैं हम लोग, बस हम चलते हैं, फजूल फजूल आए हैं, खेले ना उसके साथ थोड़ी देर, लाओ मम्मा करे मम्मा खेले, लेट्स पाँव से फुट से लाइक दिस, रखो रखो डैडी की तरफ, 1 2 3 वंच, उसके जैसा दरख के नीचे ना जाओ, इतना हाँ इतने इतने बेबी शार्क, ये मामा के बट्टे के साथ कर लो साफ, बाय बाय, हम जा रहे हैं आज।
बाहर नीचे चली जाएगी बॉल, चलें घर। चलो फिर निकलो, गर्मी भी हो रही है और बंद भी है सारा कुछ। आग उठा लो ना, गोद में उठा लो बॉल। चल लोग उसमें जा रहे हैं, हमें भी टाप के चलना चलना चाहिए था। यार मेरे बच्चे दो चार स्लाइड ले लेते तो आप उसको। आप अंकल के पीछे जाओ, हम जा रहे हैं घर। आप जाओ, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसमें भी कलर्स हैं सारे, ये देखो येलो ग्रीन रेड है ना, ये देखो रेड, ये ग्रीन, ये येलो, ये भी कलरफुल बॉल है। होल्ड इट, लेट्स गो। आपको ना बॉल के साथ खेलना था अभी और, लेकिन हम बाहर आ गए तो वो अभी पीछे पीछे हमारे बाहर आ रहा है। ये आ रहा है, आ गया। और सारा बंद था रेस कोर्स पार्क में, हमको तकरीबन 15-20 मिनट रुके होंगे, गर्मी और सब कुछ बंद, बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है। आहक को एक बॉल लेके दिए जिससे हम खेल खेल गए और अब हम घर आ गए, वापिस जा रहे हैं। आगे कहाँ जाते हैं पता नहीं। चलो चलो चले, पसीनो पसीनी हो गए हो आहद, आप शर्ट सारी गीली हो गई है। चलो वो बाबा के साथ चलो, बाबा बाइक निकालेंगे। ये झूले बंद, अंदर सिर्फ खाने पीने चीज वाली चीजें खुली हैं और पार्क खुला है, आप बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, बॉल फुटबॉल एक्टिविटी खेल सकते हो, वॉक कर सकते हो, दैट्स इट। अब आहत आपकी बॉल, अब्दुल्ला यार ये गिरा ना देखे बॉल। रेड ब्लू येलो ग्रीन, चलो आओ। सिट विद बॉल, बैठना उसने, उसे उठाना, उसने बॉल पकड़ के बैठना है, बॉल गिरानी नहीं। अच्छा कहीं पे भी गिरी बॉल तो मम्मा नहीं उतर के पकड़ाएगी। किसी को लगना अब उधर से जाएगा रेड वाले पे। इधर से वापस जाएगा आपको। अब आप बाहर नहीं आ रहे हो, चलो चलो शूज पहनो, लेट्स गो। व्हाट्स दैट आहार? हाँ कल उसके हरीम की शर्ट पे यही डक बनी हुई थी, इसका नाम क्या है? इसका डोनल्ड डक नाम है, इसने सही बोला था, अभी भी कह रहा डोनल्ड डक। व्हाट्स दैट आहार? पसीने देखो मेरे बेटे को। नहीं मम्मा नहीं ऊपर आ सकती, नहीं मम्मा ऊपर नहीं आ सकती, आप अकेले यू प्ले, ये ऊपर वाला फैन चला दे, बच्चे को पसीना आ गया। पंखा चला दे, पंखा चला, चलो जाओ चलो उधर उधर ऊपर 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 प्लीज।
नहीं चलो चले चलो चलो के नाम पे ऊपर चला जाता जम जम इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स हाँ इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्टॉम्प योर फीट वो पीछे जाके करो हॉप लिटिल बनी हॉप 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 लिटिल बनी हॉप 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 लिटिल बनी हॉप 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 एंड स्टॉप आज डैडी बैठे हुए इधर आप जाओ आप लेकर वेरी गुड बॉल्स चाहिए आपको भी देती हूँ मैं बॉल्स अब खेलने तो उसको पैसे दे दिए तो वो वाली व्हाइट वाली पे जाओ व्हाइट वाली पे जाओ 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 कल दोबारा लेके आएंगे हम कल आएंगे कल ठंडा है मम ठंडा नहीं है पानी ये लो पी लो आपने उस दिन भी यही शर्ट पहनी हुई थी आप उस दिन भी आए थे तो आपने यही शर्ट पहनी हुई थी कपड़े हैं मेरे पास सारे तुम्हारे पास नहीं हाँ सारे मुझे करीब करीब के देते हैं तो सारे पैसे मुझे भी लगा दिए इतने मजलूम है ना आपको क्या मंगवाया पढ़ने का बहुत मंगवाया क्या है एक मखनी चिकन कबाब मंगवाया मखनी मलाई कोफ्ता अच्छा ये जो है ये अलग अलग आएगा 170 का एक और 170 का एक लेकिन सिर्फ चिकन मंगवाया बाकी ये मंगवाया आपने उसको कहना था कि उस दिन की तरह तोड़ के ना दे जैसे उस दिन उसमें तोड़ के उसको दिया मुझे लग रहा है ये पाव कम है पाव नहीं मंगा लेते मैं आधा किलो मंगवाना चाहूंगा अब नेबलेट्स तो इतने सारे थे अब ये पाव कितना आएगा मुझे क्या पता तो कम लगेगा ना फिर आपका रेस कोर्स का कैसे रहा है एक्सपेक्टेशन है ना आप गए क्यों थे इस टाइम आपको पता है पहले भी जाते थे कि आपको हम लोगों की एनर्जी नहीं इसने बंद किया खुद खुद ही बंद करके अब कह रहा है अच्छा क्या खाना है आपने यार इसको आ जाते हुए प्राइस दे देंगे हैं Thank you.
प्रैक्टिस करो, ग्लास में तोड़ना। चलो बस छोड़ दो ये, डैडी को दो बोतल फिनिश करो, चले जल्दी से। वेरी गुड, खाना भी फिनिश कर दिया हमने सारा। क्या अच्छा लगा आपको ये? मुझे उस दिन नैबलेट ज्यादा अच्छा लगा, आज का भी मजेदार, उनका टेस्ट और था। मलाई बॉडी वाले थे ना, मैंने वो कहा था कि मलाई में इतना टेस्ट नहीं, माइल्ड था। हाँ वो इसके साथ जगह हम अगर मक्खनी चिकन टिक्का मंगवाते ना। थैंक यू, एम्प्टी कर दी ग्लास, मैं आपके बेटे को पेस्ट्री लेके दूँ। एम्प्टी ग्लास हो गया है, ग्लास इज एम्प्टी नाउ, लेट्स गो। मेरे बेबी ने पेस्ट्री खानी, क्या आइसक्रीम खानी है, क्या खाएगा मेरा बेटा, पेस्ट्री खाएगा? चलो उठो, चलो अब्दुल्ला मेरे बेटे को पेस्ट्री ले दो। एक फाइनली जी हम घर आ गए, पूरे आए हैं हम 10:45 बजे, 10:45 बजे हम घर आए हैं, और तकरीबन हम 8 बजे घर से गए थे और 10:45 बजे घर आए हैं। 2-2.5 घंटे में हम घूम फिर के आ गए। पहले हम गए थे रेस कोर्स पार्क, जिसे कहते हैं जलानी पार्क भी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब बंद हो चुका था, झूले बंद थे, सब बंद था। तो वहाँ से हम निकले, वहाँ हमने 10 से 15 मिनट गुजारे होंगे। आहत को एक बॉल लेके दिया, आहत ने फुटबॉल खेली, मैंने और आहत ने थोड़ा बहुत, अंधेरा भी था, वीडियोज भी नहीं सही बन रही थी, तो बस हम वहाँ गए। वहाँ से हम निकले और हमने एक जगह पे आहत को थोड़ा सा एंजॉय करवाया प्ले लैंड में, क्योंकि वहां पर रेस कोर्स में तो सब कुछ बंद था। फिर एक प्ले लैंड खुला हुआ था, जो आजकल प्ले लैंड छोटे छोटे शॉप्स में खुले हुए, वहां पे आहत ने स्लाइड्स और बॉल्स और जंपिंग ऐसे लिया। झूले आहत नहीं लेता क्योंकि वो डरता है वहां से, तो उसकी जो कलरफुल लाइट्स और म्यूजिक होता है ना उससे, वो पता नहीं क्यों डरता है, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों डरता है। बहुत मुश्किल से मैं उसको पहले अंदर लेके गई और फिर मुश्किल से उसको बाहर लेके आई, वो बाहर भी नहीं आ रहा था, पहले अंदर नहीं जा रहा था, बाद में बाहर नहीं आ रहा था। फिर तो उसके बाद भूख लग गई, और अब्दुल्ला साहब को जो है आजकल बाबी क्योंकि बार बार क्रेविंग हो रही है, तो फिर हमने जहाँ पे उस दिन नेबलेट्स खाए थे, मखनी नेबलेट्स, वो बहुत मजे के थे, वहां से वो खाए। और लेकिन आज नेबलेट्स नहीं खाए थे, आज हमने खाई थी मलाई, मखनी मलाई बोटी, सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड, बट नेबलेट्स ज्यादा मजे के थे। अब हम घर आ चुके हैं 10:45 बजे, आहत के लिए पेस्ट्री ली थी, अब्दुल्ला के लिए पेस्ट्री ली थी, अब अपना रूटीन का काम करूंगी, दूध छूद उबालूंगी आहत के लिए, और सोने की तैयारी करेंगे, कपड़े चेंज करूंगी। आहत बहुत थक गया है क्योंकि उसकी टांगों की बहुत एक्सरसाइज हुई है, स्लाइड्स पे, सीढ़ियों से ऊपर जाना, नीचे आना, जंपिंग कैसल पे जंप करना, पांव से फुटबॉल खेलना, तो टांगे थक जाती हैं, और पार्क में चलना फिरना भी, तो अब वो सोएगा। और इसी तरह बस वीडियो को ये भी एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन। घर में बहुत ज्यादा लग रही है, पंखे का कैपेसिटर मुझे लग रहा है खराब हो गई, देखो ये फुल स्पीड पे पंखा चल रहा है, मुझे लग रहा है पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया। बड़े दिनों से मैं अब्दुल्ला को कह रही हूँ पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया और उसको सही कराना है, पर नहीं अब्दुल्ला नहीं सुनते ही नहीं है। अब जब तक ये बंद नहीं होगा ना पूरी तरह, तब तक ये खराब ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सुबह हम बुलाएंगे किसी को, वो आके इसका पंखे का कैपेसिटर चेंज करेगा, ठीक है। अब तो नहीं होगा, अब तो 11 बज के कोई भी नहीं आएगा। सुबह एसी चलाते हैं, गर्मी लगती है, कपड़े चेंज करेंगे, और बाल आज मैंने सिर्फ चुटिया ही बनाई थी क्योंकि खोलने का और हेयर स्टाइल बनाने का गर्मी में दिल ही नहीं करता यार, क्या करें। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने इर्द-गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन एन अदर न्यू व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज।